से बता देता हूँ। ये हुआ भाई नसुड़ा, ये हुआ अणो, ये हुआ निवार, और ये हुई लाठ, जिसको हम बोलते हैं भाई अपनी पहाड़ी भाषा में। और ये हुआ भाई जुआ, और ये हुआ नाड़ा, सुलारो नाड़ो ना भाई। तो और ये रही भाई रस्सी, ये बैलों को कंट्रोल करने वाली रस्सी है भाई, यानी कहीं पे पत्थर लग जाता है हल पे या कहीं पे बैल ऊपर नीचे कर देते हैं, तो ये इनका ब्रेक है भाई। हाँ, यहाँ सब ये रहो बातें माए, तुमसे तो बातें माए। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं रवि नेगी, देवभूमि उत्तराखंड रुद्रप्रयाग जिले से, और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और अभी बज रहे हैं भाई मॉर्निंग के 8, और आजकल जो है ना सीढ़ी नुमा खेतों में धान की बिजाई का काम चल रहा है, तो मैं भी अभी वहीं जाने वाला हूँ और आगे आप लोगों को भी दिखाऊँगा भाई किस प्रकार से हमारे यहाँ धान की बिजाई की जाती है। यहाँ पर रख दी है मैंने कंडी, वो देख सकते हैं वहाँ पर, और यहाँ से बैल ले जाना है और उसके बाद चलना है बस सीधे खेत में। हाँ के कंडो जाते कबर बारखा कबर घाम घाम यादें बोताना यादें नहीं बोताना हूँ ये गड़वा ये ठीक है लान मुनो बांदर दुनिया भरा छनो खाल धान संख्या ना हूँ खाड़ो नीमुन को मान और हमारे यहाँ की गौशालाएं देख सकते हैं भाई सभी की एक साथ में है, और गांव है भाई ऊपर वाली साइड। और आगे से जो है ना खतरनाक वाली धूप चमक रही है, तो कभी काला कभी गोरा वाला हिसाब हो रखा है, यानी चेहरा कभी गोरा दिखाई दे रहा होगा लेकिन कभी कभी काला, क्योंकि आगे से धूप की किरणें बहुत तगड़ी वाली लगी हुई है, तो आंख भी बंद हो रही है भाई। इसमें है भाई धान के बीज, तिल, पानी की बोतल, कुदाल और बाकी अन्य कुछ और सामान होगा जो मुझे पता नहीं है उतना। किन बैलों की आंखें देख सकते हैं भाई, खतरनाक चमक रही है लाइट में। फीना तो खा दिया है, चलो खेत में भी पहुंच चुके हैं, तो चलिए जी बैल भी जोत दिए हैं और फटाफट हल लगाता हूं भाई अब, क्योंकि मेरे पास कैमरामैन तो कोई है नहीं, तो खुद ही जो है वीडियो शूट भी करनी पड़ती है और काम भी करना पड़ता है। और हल के बारे में तो सभी लोगों को पता होगा लेकिन जिन लोगों को पता नहीं है तो मैं फटाफट से बता देता हूँ। ये हुआ भाई नसुड़ा, ये हुआ अणो, ये हुआ निवार, और ये हुई लाठ, जिसको हम बोलते हैं भाई अपनी पहाड़ी भाषा में। और ये हुआ भाई जुआ, और ये हुआ नाड़ा, सुलारो नाड़ो ना भाई। और ये रही भाई रस्सी, ये बैलों को कंट्रोल करने वाली रस्सी है भाई, यानी कहीं पे पत्थर लग जाता है हल पे या कहीं पे बैल ऊपर नीचे कर देते हैं, तो ये इनका ब्रेक है भाई। पहले तो ये चीज़ें सभी लोग जानते होंगे पर हो सकता है कई लोग नहीं भी जानते होंगे। तो ये रहा भाई खेत, वहाँ लास्ट तक है भाई, लास्ट तक यहाँ से, और इस वाली साइड यहाँ धूप में दिखाई नहीं दे रहा होगा, लगभग 250 मीटर लंबा खेत है भाई। ज़्यादा लेट पेट हो जाएगी वीडियो शूट करने के चक्कर में, तो इसलिए अब लास्ट में दिखाएंगे भाई। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं भाई, पहले वाले ब्लॉग में बोला भी था कि मोलदार आने वाली है, तो आ चुकी है भाई। ये है खड़ी का पेड़। बाकी यहाँ नीचे की साइड भी देख सकते हैं, बहुत सारे दिखाई दे रहे होंगे खड़ी के पेड़। और बहुत सारे लोग लगे हुए हैं भाई धान की बिजाई करने पे। वहाँ नीचे भी हैं, नीचे देख पा रहे होंगे, थोड़ा बहुत दिखाई दे रहे होंगे, और कुछ लोग ऊपर वाली साइड है।
तो आप लास्ट में दिखाएंगे भाई, क्योंकि बीच में अब हल के बीच में टाइम नहीं मिलेगा, नहीं तो धूप में जो है ना हालत ख़राब हो जाएगी, गर्मी भी तगड़ी वाली होने वाली है। कल तो बारिश आई थी लेकिन आज जो है ना तगड़ी वाली धूप खिली हुई है, तो दिक्कत हो सकती है भाई। तो ऐसी एक आधा शो मारनी पड़ती है भाई, बीचों बीच जितना चौड़ा खेत होगा उतनी ज़्यादा शो मारनी पड़ेगी, क्योंकि बिजाई के लिए सही रहता है। ये देख सकते हैं, यानी खेत के आप दो भाग हो गए, बीचों बीच हल लगा रखी है, एक शो, एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया। पहले इस साइड बिजाई की जाएगी फिर इस साइड। खेत के नीचे वाली साइड पूरे खेत पे एक शो मारनी है भाई, जिसमें बिजाई की जाती है झंगोरे की, और इसको हम अपनी पहाड़ी भाषा में शोई बोलते हैं भाई, ठीक है? तो मैं शोई बोलूँगा, शोई शोई। चलो जी अब लगाते हैं हल। जैसे कि मैंने पिछले वाले ब्लॉग में बोला भी था कि आजकल बहुत सारे रंग बिरंगे फूल दिखाई देते हैं, सब ये रहो बातें माए, तुमसे तो बातें माए। और हल्की फुल्की गर्मी भी शुरू हो गई है, नीचे पे देख सकते हैं लोग छाया पे बैठ सके हैं। तो चलिए जी हल भी लगा दी है और अब रह गया है मेरा लास्ट खेत ये, और धूप भी कड़ाके की होने लग गई है। तो ऐसा करते हैं इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और वो ब्लॉग भी होगा और खास।